Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. As you all know, my name is Himanshu and I have recently cleared IBPS clerk exam and got selected in Punjab National Bank. So in today's video, we are going to discuss about the main three factors which plays a vital role in clearing any prelims of banking and insurance exam. So let's discuss them. Firstly, आपको किसी भी prelims exam को निकालने के लिए, किसी भी banking exam के prelims को निकालने के लिए तीन चीज़ें चाहिए. फर्स्ट वन इज स्पीड, सेकेंड वन इज एक्यूरेसी एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन. तो ये ऑर्डर जो है वो रिवर्स ऑर्डर होता है. सबसे पहले आपको चाहिए कंसिस्टेंसी आपकी स्टडीज़ में. आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली अपने एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा पूरा डेडिकेटेड होके. आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी कि भाई क्या आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो आप जिस चीज़ में आपको फन लगता है वो चीज़ आपको सारी छोड़नी पड़ेगी और पूरा डेडिकेटेड होकर अपने स्टडीज़ को पूरा टाइम देना होगा. हाँ, आप एक दो घंटा कर सकते हो, निकाल सकते हो अपने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, बट ये जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सारे दिन चलाते हो या कई बच्चों में होता है ये सब करने का, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को छोड़ो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करो और प्लीज़ अपना जो ये आपके तीन मेन वो है ना सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, इन्हीं में लग जाओ. आई गारंटी हूँ अगर आप ये चीज़ सिर्फ 6 महीने के लिए करोगे ना, तो आप क्लर्क तो बिल्कुल आराम से, और पीओ में थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, तो आराम से ये दोनों एग्ज़ाम, क्लर्क और पीओ के एग्ज़ाम, किसी भी बैंक के निकाल सकते हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस के जितने भी अपने पीएसयूज हैं इन बैंकों की बात हो. तो फर्स्ट थिंग इज़ आपको कंसिस्टेंटली अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल सारी चीज़ छोड़ छाड़ के. तो ये फर्स्ट थिंग है. और जो सेकेंड थिंग है वो है एक्यूरेसी. आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी आप मॉक टेस्ट में दे रहे हो या फिर आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, वो आप 100% एक्यूरेसी से बनाओ. ऐसा ना हो कि आपने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, वो क्वेश्चन हो गया तो वो आपका क्वेश्चन गया, तो वो तो -1 और -0.25. तो आप जिसको आप +1 लेके चल रहे थे वो आपको -1.25 हो गया. मतलब आपके हिसाब से वो अटैम्प्ट है 1 मार्क का, क्या आप तो श्योर हो कि हाँ यार मेरे तो ये सही ही है, और आपका वो 1 भी गया और -0.25 भी गया, तो आप तो सीधे ही 1 माइनस 1.25 पे चले गए. तो सेकंड थिंग जो एक्यूरेसी है ये होनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप लगा लो जैसे आरआरबी की बात करते हैं हम, जिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो अगर 20 मिनट्स और उस क्वेश्चन उन 20 मिनट्स में आपके पास क्वेश्चन है 35, तो आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करो, तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ यार ये 20 के 20 तो मेरे बिल्कुल सही है, कोई इसे गलत प्रूव नहीं कर सकता. गलत होगा तो क्वेश्चन गलत होगा या फिर वो आंसर गलत होगा, लेकिन मेरा जो मतलब जो आपने ऑप्शन किया वो उनमें गलत आंसर वो कर रखा होगा, अदरवाइज जो आपने सॉल्व किया वो बिल्कुल 100% श्योर है. आपको ऐसी एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी पहले. तो सबसे पहले बता दी मैंने कंसिस्टेंसी, सेकंड वन इज एक्यूरेसी. आप पहले एक्यूरेसी बनाओ, उसके बाद जब आपकी एक्यूरेसी हो जाए कि यार 20 मिनट में आपसे 20 सवाल बनने लग गए, उसके बाद आप स्पीड इंक्रीज करो. जो थर्ड थिंग मैंने बताई थी वो है स्पीड, तो आप उसके बाद स्पीड को इंक्रीज करने लगो. इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे आप कोई कार चलानी सीख रहे हो, तो कार को आप ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले आप कहोगे यार मैं तो स्पीड से चलानी सीखूंगा. सबसे पहले आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हो कि हाँ आपको स्टीयरिंग सही से कंट्रोल में हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप सारी चीज़ देख पा रहे हो, मिरर पे अच्छे से आपका कंट्रोल, आप अपना देख रहे हो कि कौन सी आगे से जा रही गाड़ी, कौन सी पीछे से, या जैसे भी है. आप पहले आप कंट्रोल सीखते हो, उसके बाद जैसे धीरे धीरे आपको कंट्रोल आने लगता है, आपकी अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाती है, आपको खुद लगता है कि हाँ यार मैं इस स्पीड पर आराम से इस गाड़ी को कंट्रोल कर लूँगा. सेम गोज़ विद बैंक एग्जाम या फिर कोई भी आप एग्जाम का देख रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी उस क्वेश्चन को लेके. पहले आपको धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. जब आप एक एक्यूरेसी मेंटेन कर लोगे, उसके बाद स्पीड आपकी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. तो ये मेरी एडवाइस या फिर ये जो चीज़ मैंने सीखी है अपने बैंकिंग प्रिपरेशन में, कि सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अपने एग्जामिनेशन के टूवर्ड्स योर एग्जामिनेशन, कि बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ो. उसके लिए सब छोड़ दो यार. मैंने क्रिकेट जो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ होती है, मतलब अब तक की जब मेरी लाइफ है 70% क्रिकेट है, 30% स्टडीज़ थी 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक. फिर उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो रिवर्स हो गया उसका. 80% मैंने स्टडीज़ करी और 20% मैंने क्रिकेट देखा है, वो भी हाईलाइट्स में. लाइव तो बहुत कम देखता था मैं, और मैं वो बंदा हूँ जो टेस्ट क्रिकेट को फर्स्ट बॉल से लेके शाम के जब तक टी या डे ऑफ नहीं हो जाता तब तक
जब जब तक डे कॉल ऑफ नहीं हो जाता तब तक मैं लास्ट बॉल तक मैच देखता हूँ, चाहे इंडिया की बैटिंग आ रही हो चाहे बॉलिंग आ रही हो। तो मैंने जब पूरा अपना छोड़ा क्रिकेट को और फिर मैंने स्टडीज पे लगाया तब जाके एग्जाम निकला। तो यही एडवाइस मैं आपको करूँगा कि प्लीज़ यार, 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी और जब सब सब चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी, सब बिल्कुल एकदम ऐसा मक्खन लाइफ हो जाएगी, उसके बाद आप फिर से स्टार्ट कर देना। लेकिन प्लीज़ आपको ये 6 महीने अपने करियर को या अपने आने वाली लाइफ को देने पड़ेंगे, तब जाके कोई एग्ज़ाम या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलेगा। तो जैसे मैंने बताया ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लियरली सब बता दिया कि स्पीड कैसे करनी है, एक्यूरेसी कैसे करनी है और कंसिस्टेंसी कैसे लेके आनी है। बाकी जैसे आप प्रिपेयर करो करते रहो और विश यू लक फॉर द योर एग्ज़ाम एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। और यार प्लीज़ नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही कहना। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।